जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जनता और नेताओं की भाषाओं में अलबेलापन आ रहा है। बात की जाए अगले प्रधानमंत्री की, तो जब जनता के बीच हमारी शाहजहांपुर की टीम पहुंची और शाहजहांपुर की जनता से चुनावी सवाल जवाब किए तो जनता ने सरकार पर हमला बोला। साथ ही जब क्षेत्र के सांसद के बारे में बात की गई तो जनता को अपने क्षेत्र के सांसद का नाम तक पता नहीं था। आज मैं आयोजन श्रिया गांव के मोड़ पर खड़ा हूँ और आज का मुद्दा है कि 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इसी मुद्दे को लेकर मैं आज जनता से बात करूंगा कि जनता की क्या राय है, कैसे आगे लाए यहाँ पे, किसको ये प्रधानमंत्री बनाएंगे, शाहजहांपुर का कौन ऐसा सांसद होगा किसको ये सांसद बनाएंगे। आइए इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं कि क्या महंगाई है, क्या मुद्दा है जनता। भैया क्या नाम आपका? रमेश। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या कहेगा आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? सही बनाए चलाएगा उसी को बनाएंगे। आपने शाहजहांपुर के जो सांसद महोदय हैं क्या उनको आप उनका नाम जानते हैं आप? खन्ना जी, सुरेश कुमार खन्ना। नहीं, सांसद जी का नाम बताओ। खन्ना जी तो यहाँ के नगर विधायक है, सांसद कौन है, फिर कौन है बता आपको। ऐसे यहाँ के एमपी साहब हैं जो जनता के बीच ना जाते हैं, जनता को पता ही नहीं है कि हमारे एमपी साहब कौन है। अगर कोई भी नेता जनता के बीच जाता है अपना जनता से एक संवाद बना कर रखता है तो मैं समझता हूँ कि कोई भी नेता हो किसी पार्टी को जीत सकता है, आ सकता है। अगली बार क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अगर 2024 में एक चुनाव होगा तो आप प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? अब आगे टाइम बताएगा। इन्हें चेंज करना है, इन्हें सांसद मॉडल चेंज करना जी। क्यों, क्या वजह? वजह क्या, गाँव आते नहीं है, आप तक भिजे नहीं कभी काम। अब इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन आ गया है, अब इलेक्शन आ रहा है, अब दिखेगा। इधर आइए, इलेक्शन आ रहा है, आप दिखेंगे, अब देखेंगे। 5 साल नहीं दिखाई, बिल्कुल दिखाई नहीं अभी तक। अभी तक जाओ चला, अभी तो देखो आया उनके पास काफी दिनों के बाद में संतुष्टि हुई है लोगों को। क्या कहते हैं कि मतलब जब सारा संस्था इकट्ठी हुई, सब दबाव डाले गए, तब इन्होंने जाके सरेंडर किया, उसके बाद वही जाना हुई है। मतलब तो दोबारा आप इनको वोट नहीं देंगे? ये कह रहा हूँ आपका कल्याण जी, जो चुनाव होगा 2024 में तो आप यहाँ किसको सांसद चुना चाहेंगे? सांसद के आप सांसद नजर नहीं आते आज तक। सही बात है, महंगाई इतनी आज तक महंगाई इतनी समझ में आ ही नहीं रहा है। बस पोस्टरों में नजर आते हैं कि हर जगह आए हुए, बाकी आज तक कभी जगह नहीं। कहाँ है, कहाँ रहते हैं? ये केंद्र सरकार ने कानून लेके आ रही है, यूसी सी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये देश एक कानून, इसमें क्या रहेगा तेरा क्या है? बहुत गलत कानून, जनता के लिए बहुत गलत लगा रहा है। कैसे कैसे क्या है, जनता इसे स्वीकार नहीं कर रही है, जनता स्वीकार नहीं कर रही है। क्या वजह? अरे यही है कि जब जनता सहमत है अच्छी है, जनता वैसे ही बहुत गलत कानून है, जनता स्वीकार नहीं कर रही है। क्या नाम आपका? कानून ये बताइए, ये केंद्र सरकार जो है एक नया कानून ले जा रही है, उनकी थी उनकी फार्म सिविल कोड, हिंदी में कहते हैं उसको एक देश एक कानून, क्या कहेंगे आप? तो उसके लिए धन्यवाद कहीं, हमारे देश के लिए ले आ रही, नई कानून ले आ रही, नई परिवर्तन होगा, नई सब कुछ बनेगा, उससे विधान होगा, कोई इसमें भेदभाव नहीं कि हिंदू का अलग मुस्लिम का अलग, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुस्लिम में है क्या, कुछ नहीं है, ये खाली है दिमाग का फेर, कुछ नहीं है। जितनी ही नए कानून है उतनी ही बढ़िया, जितनी ही नई प्रक्रिया बने उतनी ही बढ़िया, होना उतनी विकास बढ़ेगा, होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर नया कानून है तो हम इसको निकलाएंगे, संविधान खराब होने, संविधान के बारे में जो खराब हो रही है, जो संविधान में करोगे तब हम लोग गलत करेंगे, उसका विरोध करेंगे, और जब तुम खा रहे काम बढ़िया करोगे क्यों विरोध करेंगे?
क्यों विरोध करेंगे? नहीं करेंगे, हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे भाइयों के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारे हमारे मातारी बहनों के लिए कर रहे हैं। आप क्या नाम है? अभी इधर भैया बता रहे कि किसी भी कानून आ रहा है, केंद्र सरकार एक कानून कह रही है, एक देश एक कानून, क्या आप क्या कहते हैं? एक देश एक कानून, एक सरकार उसको लागू करने जा रही है, कोई भी बात नहीं है, एक देश एक कानून, चाहे मुसलमान कोई हो, हर धर्म के लिए एक कानून होगा, पूरे देश में कोई प्रदेश उसमें अलग अलग नहीं होगा। अच्छा रहेगा, क्यों रहे यार तुम? अरे धक्का दे रहा तू, दोस्तों हम से ना यार क्या आपने अपने क्षेत्र का भी जो शाहजहांपुर सांसद कभी उनको आप आते मिले पढ़ना भी तो साहित्य कह कर रही हूँ सांसद दिखेगा भी तुम्हें आप देख रहा हूँ क्या कहना है जो कानून है उसका समर्थन करते हैं और आगे के लिए देश के लिए अच्छा होगा। ऐसे ही और लोग हैं जरा उनसे मालूम करते हैं। ये बताओ 2024 में जो चुनाव होगा लोकसभा का, आपके चुनाव कितने दिन है? लेकिन लोग कह रहे हैं कि महंगाई तो करना चाहिए, महंगाई तो हो रही, महंगाई है इससे कोई फर्क होगा कि नहीं? अगर भाई जी कुछ थोड़ा होता क्या करें, पहले सरकार दे दी इस समय चाहिए और जो एक कानून आ रहा है केंद्र सरकार लेकर आ रही है उसी से क्योंकि फार्म से भी बोलते हैं एक देश एक कानून, क्या कहेंगे सारे बाबू? इसके बारे में हम लोगों को जानकारी जानकारी नहीं होगी। आगे बात करते हैं, आइए बात करते हैं जो एक नया जो कानून ला रहे हैं केंद्र सरकार यूजीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून, क्या नाम लिखा आपका? नूर मोहम्मद जी। नवीन मोहम्मद जी, एक केंद्र सरकार एक कानून ला रही है, एक देश एक कानून यानी यूजीसी सिविल कोड, क्या कहेंगे आप? और जो कानून है हमारे धर्म घर का जो सरकार जो है कानून ला रही है जो एक देश एक कानून, उसमें ये है कि इसमें संविधान के अनुसार चला और धर्म का अनुसार चला दी गलत, क्योंकि इसमें हिंदी का गोल होता है ना, इन्होंने अपना कानून लागू कर दिया केंद्र सरकार ने, एक देश एक कानून, तो इसमें ना तो पक्षपात होना चाहिए ना ही कोई जरूरत क्या आ गया हिंदू में फायदा क्या मुसलमान फायदा। अच्छा अभी तक जो जो सुविधाएं थे केंद्र सरकार दे रही थी या योगी सरकार दे रही उत्तर प्रदेश सरकार, एक एक धर्म को दे रही या सबके लिए दे रही? सबके लिए कहते कि नहीं ऐसा लोग ऐसा की अगर ये कानून आ गया तो उसमें एक बार का नुकसान होगा एक बार फायदा होगा, क्या ऐसा सही है?
अच्छा ये बताइए शाहजहांपुर में आप जा रहे थे, यहाँ की जो सांसद जी है नाम पता आपको क्या है? आप कहाँ रहते हो? हथौड़े में रहते हो। लोकसभा चुनाव होगा 2024 में, पहले आपने एमपी साहब जो एमपी कहो या फिर सांसद जी कहो, आपने उनको वोट कराओगे तभी यहाँ के सांसद बने होंगे। क्या कभी यहाँ पे आपके मोहल्ले में आपके क्षेत्र में कभी आए? नहीं आए। ये मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के जो सांसद महोदय है वो किसी जनता के बीच किसी क्षेत्र में नहीं जाते, अगर जाते हो तो मैंने सर्वे किया है वहाँ पे कोई तो बताता उनका नाम बताते कि हाँ मेरे लिए सांसद महोदय है। ये चलिए यहाँ पे अभी कुछ और लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे जनता खड़ी है, इनसे राय लेते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा उसमें ये अपना प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए? क्या नाम है आपका? मानवदीप राम। 2024 में चुनाव होगा लोकसभा का, आप किसको अपना प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? हम तो भाई खान पीन के बने मोदी। मोदी को? मोदी ने क्या कर दिया? कुछ काम बताइए मोदी से क्या? मोदी मुझे गरीबन खबाओ भाई। लोग कहते हैं मोदी सरकार में थोड़ा महंगाई आ गई। अरे महंगाई कुछ महंगाई आप कुमार ये बताओ आपने आप विभाग सांसद है उनका नाम बता दो। नाम नहीं बताया। कभी आपके गांव या कभी आपके उनका क्षेत्र में जाए क्या करेंगे? ऐसे तो दोबारा बनाएंगे क्या? बनाए आप युवा हो आप ये पता होना चाहिए कि अगर जो हमारा काम नहीं है काम नहीं कर सकता है या हमारे काम नहीं आता है या जो ऐसा व्यक्ति उसको आप चुनाव करें जो 5 साल में चुनते हैं अन्ना जी करते हैं काम जो अन्ना जी विधायक तो ये होता है कि सांसद महोदय का नाम नहीं पता जनता को नहीं पता। ये आपको पता नाम है? सांसद जी का नाम कहाँ आप रहते हो? हम रहते थे वैसे नगर निगम में। ये नहीं है वो नगर निगम की ये नगर निगम नहीं है ये अब लोकसभा चुनाव तो पूरे जिले होता है उस जिले का सांसद होता है। आपको पता उनका नाम? सांसद जी का है वो क्या नाम है तो उसका नाम है। ये होता है कि जो नेता जीत जाता है वो पब्लिक नहीं आता है उसको जनता बुला देती है। अगर आप उनको बुला देंगे तो जनता आपको ऐसे बुला देगी और ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताना नहीं चाहती है। तो ये आपने देखा कि यहाँ की शाहजहांपुर जनता हमारी है उसको सांसद का नाम ही नहीं पता क्योंकि जो नेता जीते हैं बाद वो जनता के बीच नहीं जाता है चाहे वो किसी पार्टी को नेता हो अगर जनता के बीच नहीं जाता है तो आगे चल के उसको दिक्कत होती है। अगर जो नेता किसी भी पार्टी को अगर जनता के बीच जाता है संबंध बना रखता है तो मैं समझता हूँ उसको कोई हराने वाला नहीं है। शाहजहांपुर से मैं कैमरा मैन अक्षय शर्मा के साथ आर के सिंह कुशवाहा शाहजहांपुर।